तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में थोड़ा सैड टॉपिक है, क्योंकि अगर आप लोग गाइस वंडर कर रहे हो कि चैंप इतने महीनों से मेरे वीडियो में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ये कैमरा पे बात नहीं की, कुछ टॉपिक को लाया भी नहीं। ये ऑफ कोर्स ये टॉपिक अच्छा नहीं था, तो मैंने अभी एक वीडियो बना रहा हूँ और इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आई थिंक यू गाइस हैव द राइट टू। तो हुआ क्या, चैंप कुछ दिनों से उसका जो पेट है वो एकदम फूल गया था। आप लोगों ने अगर यूसीस पेट्स वर्ड देखा होगा शाउट आउट, तो उसमें मैंने उसके चैनल का जो ओनर है वो मेरे कजन है, तो मैं वो उनके पास तो आपने उनके पेट्स देखे ही होंगे। अगर देखे हैं तो अभी जाकर चेकआउट कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हुआ क्या गाइस कि वो उसका जो पेट था इतना फूल गया था, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि उनको बहुत पता है फिशेज, बर्ड्स, टर्टल्स इन सब के बारे में। तो मैंने उनको पूछा कि ये क्या हो रहा है, कुछ कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला हॉट पीस देने के लिए छोटे छोटे। मैंने उसको दिया, नथिंग वॉज चेंजिंग। तो हुआ क्या, मैं थोड़े दिन तक वेट किया, वो जी रहा था आराम से, पर वो क्या रहा था, वो बार बार नीचे जाके बैठ गया। एक दिन मैं स्कूल के लिए उठा और हुआ क्या कि मेरी मम्मा ने मेरे को बुलाया, उन्होंने बोला कि बोर के नीचे वो पड़ा हुआ है। मैंने बोला कि पड़ा होगा ऐसे, मैं स्कूल से वापस आया वो तो भी पड़ा हुआ था सेम पोजिशन में, तो मेरे को लगा वो मर गया। और जब मैं उसको उठाने की कोशिश की वो फड़फड़ाया भी नहीं और वो मरा हुआ था। तो यहाँ पर मैं नीचे गार्डन में मैंने उसमें जाके उसको बरी कर दिया। तो गाइस ये थी चैंप की स्टोरी। अगर चैंप मेरे उस वीडियो में था, क्या बोलते हैं, आई एम चैंप वाले वीडियो में, और वो जज बना था रेसिंग विद विहान वाले चैनल में, तो आई मीन वीडियो में क्या बोल रहा हूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि RIP चैंप। अगर कमेंट्स ऑन है तो उसमें प्लीज लिख देना RIP चैंप, टू पे रिस्पेक्ट। तो गाइस सी यू लेटर, पीस।